आदमी पार्टी के नए शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को शपथ के लिए बुलाया है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली से सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। 11 फरवरी मंगलवार को दिल्ली चुनाव नतीजे आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम मोदी को भी बुलाया है। अभी यह पता नहीं चला है कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी 16 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। वहां वाराणसी को करीब 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। यह शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनादेश मिला और पार्टी ने 70 में से 62 सीटें हासिल कर बंपर जीत दर्ज की। दिल्ली की जनता ने एक बार फिर केजरीवाल को सीएम के तौर पर चुना है। केजरीवाल का सीएम के तौर पर यह लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें हासिल की थी। उस समय आज ही के दिन यानी 14 फरवरी को दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।